आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, महीने में कितना कमाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस मैं घर से निकल चुका हूँ, पहुंच गया इंदिरापुरम पहुंच चुका हूँ अपने ठीए पे। अभी लोकल में काम कर रहा हूँ ना, तो पर डे इंदिरापुरम आ रहा हूँ पर डे। वैसे लोग इंदिरापुरम से फोन करते हैं कि इंदिरापुरम आए भैया, मिलना है। और अभी मैं कई दिन से आप देख रहे हो ना, इंदिरापुरम आ जाता हूँ सुबह को, क्योंकि अभी मेरे पास बाहर का काम नहीं आ रहा है ना। तो जब तक इंदिरापुरम काम रहेंगे तब तक बाहर का काम नहीं आएगा, बाहर का काम आएगा तो चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी ड्यूटी ऑन कर लिए, लोकल में ही काम करेंगे आज। ओला ओवर में देखते हैं कितना काम होगा और कहां कहां की ड्यूटी मिलेगी। कोई लॉन्ग ड्यूटी मिलेगी तभी एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाएंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा और कैसा रहेगा ब्लॉग, सब कुछ बताएंगे वीडियो लास्ट तक देखना। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से, गो। टाइम हो गया 1:50, अभी तक कोई ड्यूटी तो नहीं बजी और मैं इधर ही खड़ा हूँ तिकोना पार्क के पास में। ये तिकोना पार्क है और जस्ट यहाँ पे ना आज भंडारा चल रहा है। आज काफ़ी लोग इधर से लेके आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेंट लगा रहा है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ, भूख लग रहा है तो अभी भंडारा ले आता हूँ। ये भैया देखो वाले भैया खा रहे हैं, भंडारा लेके आए हैं। मैं भी चलता हूँ प्रसाद लेने और लेके आता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ पे। सो गाइस भंडारे में लाइन में लग के और प्रसाद ले आया हूँ। प्रसाद में है पूड़ी, छोले, हलवा और एक सब्जी और है, और पानी की बोतल भी है। बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग दे रहे हैं, मजा आया लाइन में लग के लिया। तो अभी इसे खा लेते हैं प्रसाद को। भंडारा खा लिया, पूरी बहुत ही टेस्टी थी और प्रसाद तो टेस्टी होता ही है, और भंडारे की पूरी मिल जाए फिर बात ही क्या है। और पता वो लोग भंडारा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का बर्थडे है आज, समझ रहे हो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, वरना अधिकतर आप देखते होगे ना तो लोग बहुत सारे केक मंगाएंगे, फेंकेंगे, लगाएंगे और उसे वेस्ट करते हैं। लेकिन ये लोग भी हैं, देखो अपने पिताजी के बर्थडे पे वो लोग भंडारा करवा रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, पूड़ियां बांट रहे हैं ना। कितना अच्छा लगे अगर सभी लोग यही वाला तरीका अपना लें तो, लेकिन नहीं अपनाते ना लोग। लेकिन हाँ, अब मैं देखा पहली बार वैसे भंडारा करते हुए, तो हम भी बोल देते हैं सर को जन्मदिन मुबारक हो, है ना। और अपने तो पूरी खा ली है और देखते हैं अब ड्यूटी कितनी देर में आई। सो गाइस टाइम हो गया 6:40 और अब ड्यूटी आई है पहली, और राइडर से बात भी हो गई। अब दूर से भी नहीं है, पास ही से है, मात्र मुश्किल से होगा तो 150 मीटर दूर होगा। मतलब 150 मीटर का मतलब है 1.5 से 2 मिनट का डिस्टेंस। तो चल रहा हूँ बगैर देर करे हुए पिकअप करने, और ड्यूटी आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। यहाँ से ड्यूटी दो ही आती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट की। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ड्यूटी है पहाड़गंज साइड की, क्योंकि रतन लाल मार्केट करके लेके आया था। तो कोई नहीं, चलो कर लेते हैं पिकअप, मिलते हैं आपको पहाड़गंज पहुंच के। सो गाइस टाइम हो गया 11:50 और मैं पहाड़गंज पहुंच गया था। राइडर को ड्रॉप करके इधर ही वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का, और अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। तो खाना ना खा लिया है, एकदम फिट हो गया हूँ, और अपने को टेंशन नहीं है बुकिंग नहीं आई है। लेकिन हाँ, टेंशन किसी चीज की नहीं है। और आज मेरा काम भी केवल 450 रुपए का हुआ है, क्योंकि शाम को इंदिरापुरम से बुकिंग लेके आया हूँ और इसमें 450 रुपए टोटल मिले हैं, सारा को टोल काट के, है ना। तो अभी 450 का काम होने के बाद भी टेंशन किस लिए नहीं वो बताता हूँ, क्योंकि अपने पास कल का काम आ चुका है। तो कल मेरे पास दो बुकिंग है, एक तो शॉर्ट बुकिंग है लोकल की, छोटी सी है 65 किलोमीटर की। तो सुबह उनका 5 बजे पिकअप करूंगा, उन्हें 1 घंटे में ड्रॉप कर दूंगा, और अगला पिकअप मेरा 8 बजे है। तो वो पिकअप है, वो ड्रॉप है कहीं बाहर का, मतलब दिल्ली से कहीं बाहर जाएंगे। तो दिल्ली से बाहर कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कहां घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और कल के ब्लॉग में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, अगर आप ड्राइवर हो या कस्टमर हो कुछ भी हो। अधिकतर आप स्टार्टिंग में मेरी वीडियो में सुना होगा आपने कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपनी इनकम कितनी है। तो इनकम बताने का तरीका उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है। तरीका वो क्या है, जैसे अगर इस वीडियो से किसी भी ड्राइवर भाई को कोई ऐसा लगे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इसके लिए माफी चाहता हूँ पहले से आपसे हाथ जोड़ के, कि किसी भी ड्राइवर भाई को या किसी को मैं इस वीडियो से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है और इसके लिए पहले से मैं माफी चाहता हूँ फिलहाल, है ना। तो मेरा तरीका क्या है, देखो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपनी गाड़ी कितने रुपए किलोमीटर चलाता हूँ, क्योंकि इसे बताने से काफी चीजें मेरे सामने आती हैं। जैसे ड्राइवर भाई हैं, काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग वीडियो तो हम अच्छी लगती है आपकी, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, लेकिन बताते नहीं हो कि कितना इनकम हुआ है आज के दिन में, या आज कितना पैसा लिया है आपने, राइडर ने कितना चार्ज किया, वो तो बता दो पहले। तो आज मैं वो सब बताने वाला हूँ, आज भी बताऊंगा और आने वाली जितनी भी वीडियो आएंगी सब मैं बताने वाला हूँ कि उस दिन का राइड में कितना पैसा मुझे मिला है, कितना खर्चा वर्चा हुआ, सारा कुछ बताऊंगा। बताने का तरीका क्या होगा मैं बताता हूँ, है ना।
लेकिन हाँ मेरी बात को गलत मत ले जाना, मेरा काम करने का तरीका ये है। फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ 15 रुपए किलोमीटर में आउट स्टेशन में, लेकिन 15 रुपए 14 रुपए दो रेट है मेरी गाड़ी के। वो क्या है, जैसे अगर मैं सेम डे की ट्रिप करता हूँ कहीं आगरा मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश जाता हूँ जो पेट्रोल सीएनजी वाला एरिया है, तो यहाँ पे मैं 14 रुपए किलोमीटर चार्ज करता हूँ। अगर सेम डे जाएंगे तो मतलब सुबह जाके शाम तक आ जाएंगे तो 14 रुपए किलोमीटर चार्ज करूंगा। अगर वही टूर अगर उनका 2 दिन का होगा, 1 नाइट स्टे होगा, जैसे हरिद्वार आज जा रहे हैं कल आएंगे तो 15 रुपए किलोमीटर चार्ज करूंगा, या फिर मथुरा वृंदावन आज जा रहे हैं कल शाम को आएंगे तो फिर मैं चार्ज करूंगा 15 रुपए किलोमीटर। उसका रीजन क्या है ना, रीजन ये है अगर वो सेम डे वापस आ जाएंगे तो मेरी गाड़ी की रनिंग ज्यादा हो जाएगी, तो एस्टिमेट ज्यादा आएगा, तो मेरे को ठीक पैसा बच जाएगा जितना मेरे को जरूरत है। अगर वहीं पे वो 1 नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं तो फिर मेरी गाड़ी की रनिंग केवल 250 किलोमीटर की रहेगी। एग्जांपल के तौर पर अगर हरिद्वार जाएंगे, मथुरा जाएंगे, आगरा जाएंगे तो केवल 250 किलोमीटर की रनिंग में चार्ज कर सकता हूँ एक दिन की अपने राइडर के लिए, तो उसमें हमारा खर्चा नहीं निकल पाएगा क्योंकि सीएनजी महंगी है, पेट्रोल है, प्लस टोल है और प्लस गाड़ी की ईएमआई, मेरी सैलरी लगा लो तो इतना बचता नहीं है। तो उसमें हम 15 रुपए किलोमीटर का चार्ज करते हैं इस वजह से। तो 2 दिन की अगर ट्रिप होगी तो 500 किलोमीटर का चार्ज करेंगे, अगर सेम डे की होगी तो जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही चार्ज करेंगे, तो 14 रुपए किलोमीटर चार्ज करेंगे। लेकिन 14 रुपए किलोमीटर में चार्ज करने में सेम डे में एक चीज और है, अगर गाड़ी की रनिंग 350-400 किलोमीटर होगी तब 14 रुपए करेंगे, वरना हम 15 रुपए ही चार्ज करेंगे। 1 रुपए का फंटा है वो हमारी एवरेज को के। तो अगर 300-350 किलोमीटर की रनिंग ज्यादा हो रही है एक दिन में सेम डे में 350 से ऊपर निकल रही है तो 14 रुपए किलोमीटर चार्ज करेंगे, अगर आप अगले दिन आएंगे तो 15 रुपए। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दो, कमेंट के जरिए हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर हम किसी को मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश कहीं का टूर कराने ले जा रहे हैं तो हमने उनको कितना चार्ज करा है। जैसे कई उसमें क्या होता है ना, कई राइडर भी सोचते हैं जैसे इन्होंने विक्की ने इन राइडर को घुमाया है तो इनमें इस राइडर से कितना चार्ज लिया है, इनने कितना टोल लिया, कितना टैक्सेस लिया, कितना खर्चा हुआ उन लोगों का, तो वो राइडर के लिए भी काफी जरूरी होने वाला है ना। क्योंकि अगर वो टूर प्लान बनाएंगे तो उनके दिमाग में बस जाएगा कि वहां का 10,000 लगा था और वहां का 8,000 लगा था, वहां का 5,000 लगा था, तो कोटेशन का जो कॉपी होगा ना वो मैं आपको दूंगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो मिलेगा कैसे आपको वो मैं बता देता हूँ, और ड्राइवर भाइयों को उससे तरीका ये मिलेगा कि हमें किस तरह का रेट देना चाहिए या किस तरह का रेट होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना अपने अपने YouTube खोलना है। YouTube पहले मैं अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया करके। आज के बाद मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो कोटेशन का लिंक मिल जाया करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोन की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑन, जस्ट रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। अब आप लगाओ ध्यान, सीधे आप लगा लो यहाँ पे ध्यान, देखो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है मेरे दूसरे वाले फोन की। तो मैं इसमें खोलूंगा अपना YouTube खोलूंगा, YouTube में सर्च करेंगे वही जाना पहचाना विक्की के ब्लॉग, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे विक्की के ब्लॉग, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है क्योंकि सर्च मैं करता रहता हूँ ना अपने दूसरे फोन में, कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइब आए, कितने कमेंट आए आप लोगों के, है ना। तो आपने कमेंट वमेंट कर दिया करो, फोन करके बताते हो कि हमारी वीडियो आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दो एक आध बार। तो आपने यूट्यूब पे सीधे विक्की के ब्लॉग लिखना है, विक्की के ब्लॉग लिखने में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और आपका मेरा चैनल पहले नंबर पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करेंगे और वीडियो खुल जाएगा। अब मैंने एक लिंक इसमें डाल रखा है, अभी तक एक ही डाला है लेकिन आज के बाद हर वीडियो में आपको लिंक मिलेगा जिन्हें मैं बाहर घुमाने ले जाता हूँ, है ना। तो इसमें मैंने कौन सी वीडियो में डाला, वीडियो पे टिक करेंगे यहाँ पे। और जिन लोग मैं मधु विहार से ले गया था अभी 3-4 दिन पहले, जिनको मथुरा वृंदावन घुमाया था, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बना था, 19 मिनट 16 सेकंड का ब्लॉग था, बहुत ही मजेदार था और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और काफी व्यूज भी आए उसमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी ठीक ठाक आ गए हैं। तो इसी को करेंगे ओपन, अब यहाँ से वॉल्यूम मैंने कम कर दी और इसमें काफी लोगों को पता भी होगा कि इसके जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ही लिंक मिलेगा, पूरे डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक मिलेगा, बाकी नीचे मेरे इंस्टाग्राम के फेसबुक के सारे लिंक पड़े हुए हैं तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो जाके। बाकी आप एक लिंक मिलेगा कोटेशन का, यहाँ पे लिखा भी होगा दिस बुकिंग डिटेल्स एस्टिमेट कोटेशन अमाउंट लिंक, ठीक है। तो इस लिंक पे कर देंगे क्लिक, वन टाइम लिंक पे क्लिक करना है आपको, एक ही बार लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ समय के बाद ये ओपन हो जाएगा बढ़िया से। अब इसमें आपको देखो मैंने पूरे जो मैंने अपने राइडर को ये चार्ज किया था उसका कोटेशन मैंने पूरा बना के दिया उनके लिए। देखो उनका नाम है प्रवीण सर, एक बार और टच करेंगे इसे, और ये देखो प्रवीण सर है उनका नाम और वो मधु विहार से पिकअप करा था, उनका नंबर मैंने छुपा दिया है ना, और उनकी प्राइवेसी को लेके और मेरी कंपनी का नाम डिटेल सब यहाँ पड़ा हुआ है। ये 14 तारीख की ट्रिप थी, 14 अप्रैल की, और 7 डे की ट्रिप थी, इनमें देखो मैंने 14 रुपए किलोमीटर का चार्ज करा है, गाड़ी चली थी 370 किलोमीटर 14 रुपए के हिसाब से, ये पैसा बनाया 680 रुपए टोल लिया, और टोल का एक फंटा है मेरा,
मेरे को किसी गलत कमेंट मत करना प्लीज। देखो टोल चार्ज मैं लगाता हूँ, किस तरह से लगाता हूँ, जैसे कि अगर मैं टोल लगाऊंगा तो उसमें 600, जिसमें लगाया मैंने टोल 680 रुपए, तो इसमें हो सकता है टोल मेरा 600 का लगा हो, 550 का लगा हो, या फिर 750 का भी लग सकता है। तो एक अंदाजा करके टोल लगाता हूं मैं कहीं का भी, तो उस चीज को गलत ना ले जाएं कि टोल इसमें ज्यादा लगा हुआ, इतना तो लगता ही नहीं है, या टोल इसमें कम लगा हुआ, इससे ज्यादा लगेगा, तो ऐसा अंदाजा चलता है हमारा। 100-200 रुपए ऊपर भी हो सकते हैं टोल में, अगर मोटा अमाउंट है तो जैसे 700-800 है, 800 रुपए टोल एस्टीमेट बताया, तो वहां 700 भी लग सकता है, वहां 900 भी लग सकता है ना, तो 100 रुपए मेरे पास से भी जा सकते हैं, 100 रुपए मुझे बच भी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत ना समझे कि मैं टोल राइडर से ज्यादा लेता हूँ, है ना। तो टोल किसी से ज्यादा नहीं लेता हूँ, अंदाजे टोल लगाता हूँ। जैसे आपको किसी को यहाँ से बिहार जाना है तो मैं अंदाजे टोल लगाऊंगा, यहाँ से किसी को कश्मीर जाना है, कटरा जाना है, नैनीताल जाना है, शिमला जाना है, मनाली जाना है, तो इतने टोल याद नहीं रख पाएंगे ना। तो एक शेड्यूल बना रखा है कि टोल किस हिसाब से बताने, तो उस हिसाब से हम टोल बता देते हैं। तो टोल 150 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं टोल 800 लगेगा और टोल मैंने 1600 बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टोल अगर 800 लगेगा तो 900 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या फिर 800 टोल लगेगा तो 600 हो सकता है, 700 हो सकता है ना। तो टोल का मतलब समझा दिया आपके लिए। बाकी स्टेट टैक्स तो मुझे हर जगह का पता है, स्टेट टैक्स तो पता ही है, तो स्टेट टैक्स जितना लगेगा उतना ही बताएंगे। तो इसमें देखो मैंने क्या क्या लगाता हूँ, किस तरह से लगाता हूँ, यहाँ पे टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, ड्राइवर चार्ज मेरा 250 रुपए पर डे का है, और पार्किंग चार्ज जितना लगता है वो पता ही रहता है मुझे, जहां तक अंदाजा चलता है पार्किंग में भी कभी कभी, लेकिन जो मेन मेन प्लेस है वहां तो मुझे पता ही है कि कितना लगता है। तो इस तरह से मैं अपना पूरा कोटेशन देता हूँ राइडर को। अब इस कोटेशन को देख के काफी ड्राइवर भाई सीख भी सकते हैं कि हमें किस तरह से रेट देने चाहिए अपने कस्टमर के लिए, या फिर जो कस्टमर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता लग जाएगा कि विक्की ने इन राइडर को घुमाया था पूरे दिन इतना बढ़िया से, या फिर कैसे करके, तो उसमें विक्की ने अपने कस्टमर को इतना चार्ज किया था। तो मैंने इनके लिए अपने राइडर को चार्ज किया था 6740 रुपए, और जो मैं एस्टीमेट देता हूँ ना, ये मैं आपको बता दूं ना, मैं कम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट पैसे हैं, ये बिल्कुल सच सही पैसे हैं। तो मैं इसमें अगर कम करने की बात आएगी तो 100-200 कम करूंगा तो फिर मेरा लॉस होगा ना, तो रेट मैं वो देता हूँ जिससे कि मुझे काम मिल जाए। तो मैं रेट बिल्कुल कम नहीं कर पाता हूँ, ना किसी की सिफारिश से ना कुछ। बाकी मैं हर एक अपने राइडर की रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा ना सोचे कि हमारी कॉल करने के बाद आपने कम नहीं करे, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रेट के लिए ना कहें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रेट वो रहते हैं कि मुझे काम मिल जाए, है ना, कोई ज्यादा नहीं रहता, कोई कम रहता है, फिक्स रेट है। और यहीं पे बात कर लें, ये है रेट मेरे सीएनजी वाले रूट के, जैसे कि आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, अब शिमला मनाली या फिर कटरा या फिर और पहाड़ों पे जाते हैं कहीं आप चार धाम टाइप, तो वहां के रेट अलग होंगे। वो रेट अभी मैंने डिसाइड नहीं करे हैं, वो मैं कर लूंगा, फिलहाल अभी चार धाम मेरा चलने वाला है कुछ दिन के बाद में, चार धाम की बुकिंग भी आ रही है, कल की वीडियो आपने देखा होगा, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो बहुत ही मजेदार वीडियो बनाई कल की, तो कल का वीडियो फटाफट से जाके देख लो, काफी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के अंदर, है ना। तो चार धाम का क्या रेट मैं लूंगा, पेट्रोल वाले रूट के वो क्या मुझे देने चाहिए, वो सब मैं बना के दे देता हूँ, लेकिन अभी मेरी फिक्स नहीं हो पाई है, लेकिन ये वाला मेरा फिक्स है 14 रुपए 15 रुपए, समझ गए आप। अगर नहीं समझे तो वीडियो फिर से देखो दोबारा से, और फिर भी नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं कमेंट के जरिए समझा दूंगा। लेकिन प्लीज आप लोग फोन मत करना, ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि आप कॉल करके मत पूछना कि हम अपनी गाड़ी का रेट क्या दें, और ये मेरी आर्टिका गाड़ी के रेट हैं, और डिजायर गाड़ी के मैं क्या देता हूँ, जैसे डिजायर गाड़ी किसी को प्रोवाइड कराता हूँ, डिजायर गाड़ी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो गाड़ी प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसका क्या चार्ज देता हूँ वो बताऊंगा किसी और दिन की वीडियो में, फिलहाल ये मेरी गाड़ी का चार्ज है। अब आप पर डे की मेरी वीडियो देख के, कोई टूर देख के, तो आप समझ सकते हो कि विक्की ने कितना चार्ज किया, कितना बचाया। बचने का पैसा बताता हूँ, जैसे 10,000 की ट्रिप मैंने दी, 10,000 की कोटेशन दी किसी को, तो उसमें 2,500 रुपए का तो टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, पार्किंग चार्ज सारा कुछ ऐड होता है, तकरीबन बचा 7,500 में तकरीबन 2,000 की गैस लग जाती है 10,000 के टूर में, और बचा कितना 5,500 में। अब आप ईएमआई लगा दो दिन की, दो दिन की ड्राइवर की सैलरी निकाल दो, और थोड़ा बहुत खाना खर्चा, मेंटेनेंस निकाल दो, तो साहब जो कुछ बचेगा आप अपने आप कैलकुलेट कर लो ना, इतना मैं सारा कुछ कैलकुलेट बताऊंगा तो आप वीडियो देखने का फायदा क्या है ना, तो थोड़ा बहुत अपने आप कैलकुलेट कर लो, बाकी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूं ऑफ, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी लगा लो, और बाकी तो मैंने बता ही दिया। अगर कोई इसके बाद भी क्वेश्चन रह जाता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कर दो कमेंट, और मैं वहां पे आके आपका रिप्लाई कर ही दूंगा टाइम मिलेगा फिर जब भी, है ना। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो फटाफट वीडियो एडिटिंग करके अपलोडिंग पे लगा देते, सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, पर डे 8 बजे हमारा वीडियो देखो, और अर्निंग आपको बताएंगे हर वीडियो में, लोकल की अर्निंग जो लोकल में काम करेंगे वो आपको लिख के दे दिया करेंगे कि 100 किलोमीटर और 100 × 15, तो समझ लो 1500 का काम हुआ है, 200 × 15 तो 3000 का काम हुआ, ऐसा करके लिख के दे दिया करेंगे। जब बाहर जाएंगे तो इसी तरह की कॉपी हम अपने लिंक में डाल दिया करेंगे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आके देख सकते हो और अपनी गाड़ी के अपने कस्टमर को रेट अच्छे दे सकते हो, या अगर आप हमारे राइडर हो तो अपने टूर प्लान कर सकते हो हमारी कोटेशन देख के। आप हमारे राइडर चाहे मुंबई से आओ, चाहे बैंगलोर से आओ, चाहे महाराष्ट्र से आओ, चाहे कहीं से आओ, आप हर किसी के लिए यही रेट रहेंगे, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया को, हमारे किसी के लिए रेट एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ना किसी के साथ धोखाधड़ी होगी,
ना किसी का कोई स्कैम होगा, है ना। तो वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बता दो। अब इस वाले ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कर देते हैं एंड, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है। तो बस कल मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ। कल एक फैमिली को ले जा रहे हैं, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।